और इसी बीच हवा में गेंद और आसान सा कैच और काफी बड़ा कैच जो कि बहुत बड़ा विकेट था अविनाश पांडे के रूप में मिल जाता है। और इधर फिर से हवा में और इधर फिर से जीवनदान। तो ऐसा लग रहा है कि किस्मत लेकर के आए हैं अविनाश। इस बार लेकिन नहीं रुकेंगे ना चुकेंगे, इस बार पूरे 6 रन। जी हाँ, तो फिर से लॉफ करना चाहते थे लेकिन इस बार चतुराई, इस बार लॉफ कर दिया है ऊंचा और लंबा लेकिन फील्डर मौजूद और 6 पे एक और जीवन दान जहां पे आउट होना चाहिए वहां 6 रन। फिर से हवा में गेंद और फिर से कैच छूटा, तो चौथा जीवन दान। उठा के खेल दिया है गेंद, सीधे सीमा रेखा के बाहर जा रही है 6 रनों के लिए। और इस मैच में अभी तक 5 कैच छूटे हैं। फिर से उठा के खेल दिया है 6 रनों के लिए। फिर से उठा के खेल दिया है गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 सामने की तरफ। दशा खराब दिशा खराब अंपायर की। फिर से उठा के खेल दिया है फील्डर नीचे लेकिन कोई फायदा नहीं। रोहन का स्वागत हुआ है छक्के से सामने की तरफ और बहुत फिर से उठा के खेला है गेंद जारी सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन सामने की तरफ नहीं छोड़ा था गेंदबाज ने। चलिए जाइए और बॉल उठा के लेकर आइए 4 रन। चलिए उठा के खेला है और गेंद जा रही है किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं 4 रन। फिर से उठा के खेल दिया है गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा के बाहर दोनों बल्लेबाज सामने की तरफ। फिर से उठा के खेला है गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन। अंपायर का इशारा नो बॉल। और नो बॉल और उसका नतीजा 6 रन। फिर से उठा के खेला है गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन। और इसी छक्के के सहारे अविनाश का निजी स्कोर हो गया 86 रन। और अविनाश के सेंचुरी पर 201 रुपए का इनाम है पप्पू भैया की तरफ से। और इसी बीच शतक पूरा होता हुआ अविनाश का बहुत बहुत धन्यवाद, माफ करिएगा पप्पू जैन। और इस मैच को जीतने के लिए